Hello friends, now in this video we have to solve one important problem of complex numbers. क्या है complex number का ये important problem? Find the value of 2x cube minus 11x square plus 44x plus 27 is equal to 0. एक polynomial given यहाँ पे, जो polynomial यहाँ पे दी गई है, degree 3 है, कुछ भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, whatever. तो एक polynomial है. और जो वेरिएबल यहाँ पे है x, उस वेरिएबल की वैल्यू इज गिवन हियर 25 अपॉन 3 माइनस 4 है. मतलब वेरिएबल की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर है. अभी यहाँ पे वो डिनोमेटर में है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके न्यूमेरेटर पर ले लेंगे, पता लगे. लेकिन व्हाटएवर जो भी वैल्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में रहेगी, और फिर उसे हमें सिंप्लीफाई करके उसका यूज करके इस इक्वेशन की या इस पॉलीनोमियल की वैल्यू निकालना है. चलो देखते हैं. पहले जो गिवन है इफ कंडीशन जो है इफ x इज इक्वल टू क्या है 25 अपॉन 3 माइनस 4 है. जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो पहली कंडीशन क्या है हमारी, उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है उसके कॉन्जुगेट से. 3 प्लस 4 आए, 3 प्लस 4 आए. क्यों 3 प्लस 4 आए? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया. इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ऊपर मिलेगा 25 × 3. That is what? 25 को इसे रखते हैं इधर के लिए, 3 प्लस 4 आए अपॉन डिनोमेटर देखिए a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 स्क्वायर 16 आई स्क्वायर. आई स्क्वायर क्या आएगा माइनस वन और ये माइनस वन के कारण माइनस क्या हो जाएगा प्लस. सो 4 का स्क्वायर 16 वन जा 16 आ गया. जब भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आई और उसका स्क्वायर लेना है, आई स्क्वायर तो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे माइनस है तो हो गया प्लस, प्लस होता है तो माइनस, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है. अभी सो 25 इन ब्रैकेट 3 प्लस 4 आई अपॉन 9 प्लस 16 व्हाट 25 डिवाइड इच अदर मतलब कैंसिल, बचेगा 3 प्लस 4 आई. किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू. यूजुअली ऐसे प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली एक्स की वैल्यू इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर ही दी रहती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने थोड़ा काम बढ़ा दिया हमारा. यहाँ पे उन्होंने डिनोमिनेटर में दी, फिर कंजुगेट करना पड़ा और फिर वैल्यू आ गई. ठीक है, कोई बात नहीं. अभी हमें क्या करना है, हमें इससे एक इक्वेशन डिराइव करना है, ऐसा इक्वेशन जिसमें आई न हो, इमेजिनरी टर्म न हो, क्योंकि हमें जाना है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर जिसमें इमेजिनरी टर्म खतरा है. तो इमेजिनरी टर्म को हटाना है, तो इमेजर टर्म जिसको हटा के उसको पहले तो अकेला रख देते हैं साइड में, बाकी टर्म से एक साइड ले लेते हैं. प्लस 3 है, यहाँ पे हो गए माइनस 3 और ये हो गया 4i. अभी क्या करेंगे, i कब हटेगा, तो i का स्क्वेयर करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, तो इमेजर टर्म निकल जाएगी. तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स क्या हो जाएगा, x माइनस 3 होल स्क्वेयर और यहाँ पे 4i स्क्वेयर. देखिए मैंने उसी स्टेप पे किया, आपको एक स्टेप और बढ़ाना है, हमारे पास जगह कम है, यहाँ तक हम आ सकते हैं. ठीक है, और फिर और से एक साइड ज़्यादा जगह नहीं, ठीक है. तो एक्सपांशन किया तो क्या आएगा, एक्सपांशन अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर आएगा, 3 × 2 = 6x आएगा प्लस 3² = 9 आएगा. ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का एक्सपांशन. राइट हैंड साइड 4² = 16 आई स्क्वायर माइनस 1 16 × -1 -16 हो गया. थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x ये माइनस 16 प्लस हो जाएगा 16 + 9 = 25. ये हो गया इक्वेशन. ये इक्वेशन जो गिवन कंडीशन है जिसमें एक्स की वैल्यू दी है कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे डिराइव हो गए. अभी हमें क्या करना है, इस टाइप के मेथड में या इस टाइप के प्रॉब्लम में हमारे पास ये इक्वेशन है जिसकी वैल्यू जीरो है, ये जो एक्सप्रेशन है या यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है जीरो, इसका यूज हमें करना है. कैसे करेंगे, तो इस पॉलिनोमियल को जो भी है व्हाट एवर द गिवन 2x³ - 11x² + 44x + 27 इसे सीधा सीधा डिवाइड करना है. किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें यहाँ पे मिल गया है x² - 6x + 25 जो भी इक्वेशन मिलेगा क्वाड्रेटिक मिलेगा जो भी मिलेगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक मिलेगा. ठीक, अभी हमें क्या करना है, इससे इस पॉलीनोमियल को डिवाइड करना है. जो डिवाइड करना है ये मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, पहले प्रोसेस पूरी कर लेते हैं और फिर उस स्टेप में सब समझ में आ जाएगा. यहाँ पे 2x³ है, यहाँ पे x² है, मतलब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे x² को तो 2x³ मिल जाएगा. है तो 2x × x² 2x³, 2x × 6x 6² = 12 माइनस 6 12x² x² के नीचे आएगा माइनस 12x² देखिए ये देते वक्त
ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे पावर इक्वल हो वैसे एक के नीचे रखना है, अगर बीच में कोई टर्म्स की हुए तो वो जगह छोड़ देंगे, ठीक है। फिर 25 to 50 x डिविजन है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये हो गया सब्ट्रैक्शन, जीरो कैंसल, -11 + 12 दैट इज x² +41 - 50 दैट इज -6x + 27। अभी फिर यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है, कोई चेंज नहीं, तो हम 1 लेते हैं, 1 × x² x² 1 × -6x - 6x 1 × 25 + 25 फिर से सब्ट्रैक्शन है, माइनस माइनस का प्लस, पहले माइनस हो गया कैंसल, -6x + 6x भी कैंसल, 0 27 - 27 27 - 25 2 तो रिमाइंडर 2 आ गया, प्रोसेस पूरी हो गई क्योंकि रिमाइंडर 2 आ गया, यहाँ पे कोई x की टर्म ही नहीं बचे, अगर x² से डिग्री कम होती है तो रिमाइंडर को छोड़ देना होता है, फिर आगे हम नहीं जा सकते, ठीक है। अभी हमें क्या कर रहे हैं, आपको याद होगा स्कूल में आपने एक प्रॉब्लम लिखा होगा कि जो भी डिविडेंड है और ये डिवाइजर है, तो हम कैसे लिखते हैं, डिविडेंड d इज इक्वल टू कोएफिशिएंट इनटू डिवाइजर, ये डिवाइजर को हम क्या लिखेंगे, स्मॉल डी देते हैं, प्लस रिमाइंडर r, ये थोड़ा शॉर्टकट में आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, आपको याद होगा इस तरह के फॉर्मेट में हम लिखते थे कुछ, डिविडेंड इज इक्वल टू कोएफिशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, बराबर। अभी इसमें क्या है, डिविडेंड क्या है, तो अभी इसकी जरूरत नहीं, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि हमारे पास थोड़ी जगह की कमी है। डिविडेंड क्या है, ये पूरी पॉलिनोमियल डिविडेंड क्या है, 2x³ - 11x² + 44x + 27 जिसकी हमें वैल्यू निकालना है इज इक्वल टू कितना वो हमें चाहिए। अभी हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन से या इसे कहते हैं एक्सप्रेशन से या पॉलिनोमियल से इसे डिवाइड किया, तो हमें एक क्वेश्चन मिल गया। अभी एक आपको छोटा सा एग्जांपल बता दूं इससे समझाने के लिए कि अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं, 7/2 तो हमें क्या मिलेगा, 2 × 3 = 6 रिमाइंडर कितना आ गया, 1। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 7 जो डिविडेंड है ना, 7 इज इक्वल टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना है 3, डिवाइजर क्या है 2, रिमाइंडर क्या है 1, देखिए 3 × 6 + 1 आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर दैट इज डिविडेंड, बस वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना, क्लियर। तो ये डिविडेंड एज इट इज लिख दिया, अभी जो है यहाँ पे डिवाइजर या क्वेश्चन कुछ भी मैं लिख लो, 2x + 1 ये हो गया अपना, चलो यहाँ जगह कभी रहेगी थोड़ी चाहिए, तो ये आ गया 2x + 1 इंटू डिवाइजर x² - 6x + 25 प्लस रिमाइंडर क्या है 2। देखिए इसी तरह जैसे 7 को 2 से डिवाइड किया, 2 × 3 = 6 7 - 6 = 1 आ गया, तो ये क्वेश्चन है, डिवाइजर है, दोनों का प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर दैट इज व्हाट आवर ओरिजिनल डिविडेंड। वैसे ही यहाँ पे भी डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन प्लस डिवाइजर इज प्लस रिमाइंडर, लेकिन हमारे पास ये वैल्यू है क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है 0, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो इज इक्वल टू 2x + 1 इंटू दिस ब्रैकेट इज 0 + 2 0 × 0 = 0 सो 0 + 2 दैट इज व्हाट 2। तो इस तरह से हमें ये जो पॉलीनोमियल है उसकी वैल्यू आ गई कितनी है 2, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब ये जो इक्वेशन हमें निकालना था इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो इसकी जो वैल्यू है ये हमें कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई है 2, कितनी आ गई 2। तो दोस्तों इस तरह से हमें किसी भी पॉलीनोमियल की वैल्यू निकालना है अगर हमें x की वैल्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दी गई है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म से हमें मिलता है क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइजर बना के इस पॉलीनोमियल को डिवाइड करना है, क्वेश्चन मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, इसको लिखना है डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर फॉर्मेट में। तो डिवाइजर की वैल्यू है ऑलरेडी यहाँ पे रही होगी, जो डालनी है जिसको वैल्यू 0 रहेगी, 0 × 0 जो रिमाइंडर है वही इसका आंसर आएगा। काफ़ी डिफिकल्ट भी नहीं है लेकिन आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे प्रॉब्लम्स आप कॉपी कर लेंगे बोर्ड से या जस्ट वॉच किया तो हो गया, नहीं जिसको सॉल्व करना है प्रोसेसिंग माइंड में होनी चाहिए, सिस्टमेटिकली उसके ऊपर आपका एनालिसिस होना चाहिए, तो वही वो ध्यान में आता है, ध्यान में रहता है। तो दोस्तों इसे सॉल्व कीजिए, समझ में आया लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे वीडियोज़ के साथ और आ रहे हैं, मिलते हैं, बाय।